हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ के अगले क्रम में संचार और संप्रेषण को डिस्कशन करेंगे, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन, और जिसे हम हिंदी में संचार या फिर संप्रेषण भी कहते हैं। संचार, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संचार क्या होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है यह क्या होता है। जो कम्युनिकेशन है यह एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों का संप्रेषण दूसरे व्यक्ति तक करना, यही कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वही जो आदान प्रदान किया जाता है, इसी को हम संचार कहते हैं। और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब मनुष्य का जन्म हुआ, जब मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में था, तब उसके पास भाषा नहीं थी, शब्द नहीं थे, फिर भी उसे संचार की आवश्यकता होती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने संचार को सुव्यवस्थित किया, अपनी भाषा को, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से संप्रेषित करने के लिए कुछ सांकेतिक चिन्ह बनाए। पहले सर्वप्रथम कुछ जैसे पेड़ को इंडिकेट करना हो तो पेड़ का चित्र बनाया जाता था, फिर उसके लिए कुछ आसान से कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, फिर लिपि बनाई गई, और फिर धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, और उसके बाद से संचार का क्रम धीरे धीरे, जैसे जैसे मनुष्य की जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता गया, संचार का जो महत्व है वह और भी बढ़ता चला गया। क्योंकि मानो आज जो शिक्षा व्यवस्था हुई है, जिस प्रकार से मानव का विकास हुआ है, औद्योगिक क्रांति आई, जिस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं संचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि संचार के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को, बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और समाज को हम जानकारी भी देते हैं। वो यही संचार का एक उद्देश्य होता है, और यही आपका संचार होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बातों को पहुंचाना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि संचार शब्द इंग्लिश के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह जो कम्युनिकेशन शब्द है, यह शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से निकली हुई है, कम्युनिस शब्द से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है समुदाय, कम्युनिटी, या फिर हम कह सकते हैं सामान्य या कम्यून। कम्यून यह आपका क्या है, यह आपका शब्द जो है कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कम्युनिटी यानी समुदाय, या फिर सामान्य यानी कम्यून, और इसी से मिलकर आपका बना है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तो यहाँ पर जो संचार है वह आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, और जिसका अर्थ आपको पता चल गया है कि क्या होता है। और यहाँ पर एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा कहा गया है कि संचार के द्वारा द्वारा किसी विचार या जानकारी का विनिमय एक ओर तक पहुंचाना
या बांटना बांटना होता है। वह चाहे लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो। संचार के द्वारा, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा डेफिनेशन दी गई है कि संचार के द्वारा किसी भी सूचना या फिर जानकारी या जो हमारे विचार होते हैं उनको एक और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो या सांकेतिक हो। ये तीनों ही संचार होते हैं। यहाँ पर केवल हम लिखित जो हम लिखित सामग्री देते हैं या जो मौखिक रूप से हम बातचीत करते हैं, केवल वही संचार नहीं होता। इसमें हम सांकेतिक भाषा, सांकेतिक में बहुत प्रकार होते हैं, जैसे हम अपने जो अभिव्यक्ति है, चेहरे की अभिव्यक्ति, उसके द्वारा भी बहुत सारे संचार होते हैं। जैसे अगर हम किसी को देखकर बहुत क्रोधित हो रहे हैं और उस तरीके का जब हम अभिव्यक्ति देते हैं चेहरे के माध्यम से, तो वहां पर भी एक तरीके का संचार, एक तरीके की अभिव्यक्ति हमारी हो जाती है। कभी कभी मौन अभिव्यक्ति सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही हम आपस में कर सकते हैं। तो वह सांकेतिक भाषा भी एक प्रकार से हमारा संचार का माध्यम होता है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा से स्पष्ट है कि संचार का मतलब होता है हमारे विचार सूचना का जो आदान प्रदान होता है, और चाहे वह तीन चाहे लिखित हो, मौखिक हो या फिर सांकेतिक हो। तो यह तीनों क्या है? आपका संचार है। तो यहाँ पर ये तो था अर्थ और परिभाषा कम्युनिकेशन की। आइए देखते हैं कम्युनिकेशन का जो मेन एलिमेंट्स क्या है, इसके एलिमेंट्स, प्रमुख तत्व, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर जो तत्व है संचार के तत्व, संचार के जो तत्व हैं वो कई हैं। पहला है आपका प्रेषक, प्रेषक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंडर। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके तत्व हैं संचार के, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं शामिल, संचार किनके किनके मध्य होता है, संचार में क्या क्या होना सबसे आवश्यक होता है, तो यहाँ पे इस टॉपिक से आपके प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ पर सबसे पहला तो होता है प्रेषक, यानी कि सेंडर, जो अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। तो एक तो पहली बात, प्रेषक का होना आवश्यक होता है, और बिना प्रेषक के फिर संप्रेषण नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो होता है प्रेषक। दूसरा जो एलिमेंट्स है वह है आपका संकेतन, संकेतन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकोडिंग। पहला तो प्रेषक का होना आवश्यक है, जो संदेश भेजने वाला होता है इसी को हम प्रेषक कहते हैं, संदेश भेजने वाला इसे हम कहते हैं प्रेषक, इंग्लिश में कहते हैं सेंडर। परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो यदि आप हिंदी में प्रेषक दिया हुआ है और इंग्लिश में सेंडर दिया हुआ है, तो आप उसके माध्यम से भी क्रम में लगा सकते हैं। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि जो संचार है वह किस क्रम में होता है, तो आपको ये क्रम लगाना होता है। तो ये जो क्रम मैं लिखवा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले होते हैं प्रेषक, एक संदेश भेजने वाला होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि संकेतन, एक इनकोडिंग, यानी कि जो प्रेषक है वह कहना क्या चाह रहा है, किस माध्यम से वह कहना चाह रहा है, क्या उसकी भाषा जो है वह क्या होगी, वह किस लिपि का चयन कर रहा है। तो यहाँ पर पहला तो उसकी जो वह कहना क्या चाहता है, यानी कि जो उसके विचार है वह क्या है, ये भी होने चाहिए। संप्रेषण के बाद जो संदेश प्रेषक है, प्रेषक के पास क्या विचार है, वो क्या कहना चाह रहा है,
ये इनकोडिंग है और वह कैसे शब्दों का चयन कर रहा है, क्या वो भाषा का चयन कर रहा है, तो यहाँ पर इनकोडिंग ये आवश्यक है। एक तो प्रेषक का होना आवश्यक है और प्रेषक कहना क्या चाहता है, विचार क्या है और वह कैसे लिखना चाहता है, तो यह तो आपका संकेतन है होता है। और यहाँ पर जो तीसरा है वह है आपका, तीसरा होना चाहिए संदेश। यहाँ पर तीसरा होना चाहिए आपका संदेश यानी कि मैसेज। यहाँ पर वो कहना क्या चाहता है, मतलब कि वह किस माध्यम से कहना चाहता है। यहाँ पर भाषा का जो प्रयोग है वह किस भाषा का प्रयोग करना चाह रहा है, तो यहाँ पर जो भाषा है वह किसका चयन करता है, वह कैसे लिखता है, क्योंकि शब्द लिखने के लिए उसके पास इनकोडिंग होना चाहिए, वह क्या कैसे लिख पा रहा है। दूसरे पास उसके पास एक मैसेज होना चाहिए जिसे वह यहाँ पे लिखेगा, उसके पास वह मैसेज होना चाहिए। आपका फोर्थ है आपका माध्यम, उसके पास एक चैनल होना चाहिए यानी कि वह किस माध्यम के द्वारा संदेश को प्रेषित कर रहा है, उसके पास माध्यम क्या है। तो एक माध्यम का होना भी बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी कई प्रकार की है, तो वह किस माध्यम से संदेश भेजना चाह रहा है। प्राचीन काल में जो माध्यम होते थे हमारे कम्युनिकेशन के, वह पत्र होते थे। और पहले पत्र बहुत प्राचीन काल में कहा जाता था कि कबूतरों के द्वारा पत्र जाते थे, फिर बाद में डाकियों के द्वारा पत्र का संप्रेषण होता था, फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और अब तो पत्र जो है, पत्र का एक तरीके से वह लुप्त ही हो गया। तो इस समय तो क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी की, कि हम संप्रेषण तुरंत ही, किसी भी, हमारा एक सेकंड भी नहीं लगता, बस हम टाइप करें और सेंड कर दें, चाहे वो ईमेल का माध्यम हो, चाहे वह आपके मोबाइल फोन से मैसेज का माध्यम हो। तो अभी तो संप्रेषण बहुत ही एक बहुत आसान प्रक्रिया हो चुकी है और यह बहुत आसानी से हम प्रेषित कर सकते हैं, जबकि प्राचीन काल में संचार जो था वह जो माध्यम था वहाँ कम डेवलपमेंट थी, और इसकी वजह से भी जो चेंजेस होते तो थे लेकिन वह एक धीरे क्रम में होते थे, और आज जो है, आज उसका परिवर्तन तेजी से होता है। यह जो संचार इतना हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हुई है, यह एक तरीके से बहुत अच्छा भी है और कभी कभी यह बहुत खतरनाक भी हो जाता है। कब, जब हम संप्रेषण संचार गलत तरीके से करते हैं, जब हम अफवाहों को फैलाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा संचार है वह गलत कार्य करता है, जो टेक्नोलॉजी है वह गलत हो जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे कि गलत है, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमारा जो है मोटिव गलत हो जाता है, तो इससे एक तरीके से यह खतरा भी उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसा अधिकांशतः नहीं है, हम इसको सकारात्मक पहलू में ही देखेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और आज संप्रेषण की वजह से ही अधिकांशतः जानकारियां हमें आसानी से सुलभ भी हो जाती हैं, जो भी हम जानना चाहते हैं हमें वह मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं वह भी हमें टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया है तो उसके माध्यम से भी हमें तुरंत ही पता चल जाता है। हम कहीं भी रहे, हमारे पास हाथ में मोबाइल है तो उससे भी हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ है आपका माध्यम, फिफ्थ में है आपका कूटानुवाद, इसे कहते हैं डीकोडिंग। अगला है डीकोडिंग। यहाँ पर देखिए इनकोडिंग है, यहाँ पर डीकोडिंग है, किस भाषा में क्या हमने प्रयोग किया, क्या हमने लिखा, उसकी यहाँ पर क्या होगी, डीकोडिंग होगी। डीकोडिंग हम कहें तो टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग होता है, जैसे टेक्नोलॉजी में क्या प्रयोग होता है, कंप्यूटर की भाषा अलग होती है, कंप्यूटर बाइनरी जीरो और वन को ही पहचानता है, और जैसे यदि हम किसी का नाम लिखते हैं और उसको जब वो कन्वर्ट करता है तो वह उस भाषा में कन्वर्ट करता, अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, और जब पहुंचता है प्राप्तकर्ता के पास,
तो वहां पर फिर डिकोडिंग होती है, जो 01 जो बाइनरी था, अब वह नंबर जो हमने जो भाषा भेजी है अब उस भाषा में वो डिकोड होकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम टेक्नोलॉजी के ही या मशीन की भाषा की ही बात नहीं करेंगे, यहाँ हम नॉर्मल बातचीत में भी यह होता है। जैसे ये तो मशीन की भाषा है कि यहाँ पे इनकोडिंग हुई, फिर यहाँ पे डिकोडिंग हुई, यहाँ पर जो मैं हमने नाम लिखा वहां पे कंप्यूटर ने अपनी भाषा में इसे परिवर्तित किया, फिर यहाँ पर अपनी भाषा से उसने इस भाषा में परिवर्तित किया। तो यह तो मशीन की भाषा है। और सामान्य भाषा में क्या है? सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो जैसे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, यानी कि मान लीजिए वह भाषण दे रहा है, ठीक है, या कोई अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। अब जो प्राप्त करता है वह उस विचार को किस तरीके से डिकोड करता है, कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, वह क्या समझता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर कई भी जैसे कि बहुत सारे हम प्राचीन जो कहावते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार से करते हैं, कि तुलसीदास जी ने क्या कहा, उनका क्या मतलब था, जैसे राम जी की कथा हो गई या फिर कई कोई और भी बात हो गई तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, फिर उसको हम अपने तरीके से हमने उसे क्या समझा। तो यहाँ पर जो डिकोडिंग है वह प्राप्तकर्ता पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार से लेता है। यह तो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच की बात है। और जो मशीन की इनकोडिंग और डिकोडिंग है वह क्या है, वह जैसे हमने अपनी भाषा में टाइप किया और मशीन ने उसे अपनी भाषा में इनकोड किया, फिर जब वह प्राप्तकर्ता के पास पहुंचने वाला है तो वहां पर मशीन ने अपनी भाषा से दूसरी भाषा जो कि पहले थी उस भाषा में उसे पहुंचाया। तो यहाँ पर मशीन की भाषा में इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही होता है। और सामान्यतः जो भाषा में इसमें कहें कि हमने क्या कहा और अगले ने क्या समझा, हमारी बात को उसने किस तरीके से लिया, तो यह उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है कि प्राप्तकर्ता ने उस बात को किस वे में लिया। तो ये तो होता है आपका कूटानुवाद यानी कि डिकोडिंग। छठवां होता है आपका प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। अब ये क्रम आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहला है आपका प्रेषक जो संदेश भेजने वाला है, दूसरा होता है संकेतन इनकोडिंग वह किस भाषा में लिखता है, तीसरा होता है संदेश क्या है, हमारे पास मैसेज क्या है, क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या हम हमारा क्या संदेश है जो हम देना चाह रहे हैं, तीसरा चौथा है आपका माध्यम यानी कि चैनल, किस माध्यम से, क्या हम प्रत्यक्ष माध्यम से या किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किसी मशीन के माध्यम से, ईमेल है या फिर मैसेज है, या किस प्रकार की चैटिंग हम कर रहे हैं वहां पर वो बात है, माध्यम है किसका हम चयन कर रहे हैं। और अगला है आपका कूटानुवाद यानी कि अब जो इस माध्यम से हम चैटिंग कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, अब वह मशीन अपनी भाषा लैंग्वेज में उसे कूटानुवाद करेगी, डिकोडिंग करेगी, और जब हम प्रत्यक्ष बात करेंगे तो वह प्राप्तकर्ता उसे डिकोड करेगा यानी कि वह किस वे में उसे ले रहा है। उसके बाद आपका है अगला है प्राप्तकर्ता। अब मैसेज किसके पास यहाँ से पहुंचता है, प्राप्तकर्ता के पास, इतने स्टेप्स होते हैं तब जाकर प्राप्तकर्ता के पास, रिसीवर के पास मैसेज आता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है आपका फीडबैक। आपका है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, हम कह सकते हैं हिंदी में कहेंगे हिंदी में हम कहेंगे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। अब जब प्राप्तकर्ता को मैसेज प्राप्त हो चुका है तो अब उसकी वह कैसे प्रतिक्रिया करेगा, यही होता है फीडबैक। और फिर से फीडबैक, इसी प्रकार से ये जो फीडबैक है यह प्राप्त प्रेषक के पास यह पहुंचाएगा,
वो प्रतिपुष्टि देगा कि उसने विचार को कैसे लिया है, क्या वह प्रसन्न है या फिर वह और उसके विचार के बारे में कुछ और कहना चाहता है। तो यहाँ पर यहाँ दोनों प्राप्तकर्ता भी फीडबैक देगा, तो तब जाकर यहाँ पे संचार पूर्ण होगा। केवल एक साइडेड, जो वन साइडेड जो संचार है वह नहीं होता है, यहाँ पे टू साइडेड संचार होता है। प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास पहुँचता है और जो प्राप्तकर्ता जो फीडबैक देता है, तो यहाँ पर ये दोनों ही आवश्यक होता है और तभी संचार पूर्ण होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, इसे हम बाद में भी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है शोर, यानी कि नॉइज। ये शोर क्या है, इससे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और आगे की टॉपिक्स, आगे की जो क्लास होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि शोर क्या होता है, इसके और भी रूपों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो नॉर्मल में हम समझते हैं, शोर का मतलब होता है जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच जो भी मैसेज का आदान प्रदान होता है, और इस बीच में जो बाधाएं पहुंचती हैं, जो बाधाएं पहुंचती हैं, यही बाधाएं आपकी शोर कहलाती हैं, यही बाधाएं नॉइज होती हैं, यही बाधाएं शोर कहलाती हैं। क्योंकि जब हमारी बात जो संप्रेषण करता, जो संचार कर रहा है, वह जो कहना चाह रहा है, इन अगर इनके बीच में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या कोई कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर जब हम बीच में बात करते हैं, तो कॉमन भाषा में अगर हम देखें तो यदि हम बात करते हैं और कोई शोर कर रहा है, तो ये बताइए क्या वह हमारे हमारा संचार वहां पर हो पाएगा, जो हम कहना चाह रहे हैं अगला व्यक्ति समझ पाएगा। तो यहाँ एक कॉमन बात में अगर हम कहें तो शोर की वजह से हमारा संप्रेषण बिल्कुल बाधित होता है नॉर्मल प्रत्यक्ष रूप में। उसी प्रकार से जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचार करते हैं, या मशीन के माध्यम से कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर के ईमेल, या फिर चैटिंग के माध्यम से मैसेज देते हैं, तो कभी कभी उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे ईमेल कभी बहुत फुल है, वहां पर मैसेज वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं कुछ बीच में रुकावट हो गई है, तो वहां पे वो शोर होता है टेक्नोलॉजी में। और नॉर्मल में तो हमें पता ही है कि यदि हम दो व्यक्ति कोई बात कर रहे हैं और अगला कहीं बहुत शोर हो रहा है, तो वहां पे संप्रेषण नहीं हो पाता, वहां पे संचार नहीं हो पाता, वहां पे वो बाधाएं ही क्या कहलाती हैं, शोर कहलाती हैं। तो इसे यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसे ये हेडिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेषक, सेंडर, संकेतन, इनकोडिंग, संदेश यानी कि मैसेज, फिर है फोर्थ माध्यम, फिर कूटानुवाद यानी और डिकोडिंग, या फिर प्राप्तकर्ता रिसीवर, और रिसीवर के बाद क्या होगा आपका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अवश्य ही देख लीजिएगा। सबसे पहले है, फिर से हम आपको याद करवाना चाहेंगे, प्रेषक, उसके बाद प्रेषक के बाद होना चाहिए संकेतन, संकेतन के बाद हमारा होना चाहिए संदेश, संदेश के लिए होना चाहिए माध्यम, माध्यम के बाद हमारे पास होना चाहिए कूटानुवाद यानी कि जो उसे जो हम कहना चाह रहे हैं इनकोड को डिकोड करें, और डिकोड के बाद कहाँ पहुंचेगा, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा, और प्राप्तकर्ता जब उसे प्राप्त कर लेगा तब वह उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देगा, प्रतिपुष्टि देगा, जिसे इंग्लिश में हम फीडबैक भी कहते हैं। तो ये एक क्रम है, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से फिर ऊपर की ओर जाएगा और फीडबैक के माध्यम से, और सबसे लास्ट में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं शोर अलग है। शोर ये बाधा पहुंचाता है, किसमें, संचार व्यवस्था को कंप्लीट करने में शोर बाधा पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर तो ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि आपके संचार के तत्व। अब आगे हम देखेंगे संचार की प्रकृति, संचार या फिर जिसे हम संप्रेषण भी कहते हैं, संप्रेषण की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन
नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वह शिक्षण हो, चाहे वह अनुसंधान हो, चाहे वह संचार हो, या कोई हम सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, या कोई भी विषय हो, जब भी हम उसका स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर हम उसके बारे में पहले अर्थ पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, और उसके बाद हम जानते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है, जो नेचर है, यहाँ पर हर वस्तु की अपनी एक प्रकृति होती है, हर वस्तु की अपनी एक अपना एक नेचर होता है। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल में लें, जैसे कि जैसे लायन होता है, शेर होता है, उसकी प्रकृति होती है दहाड़ना। तो शेर कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक शेर की प्रकृति एक ही होगी, और वह होगी उसका दहाड़, वह होगा उसका भोजन। तो वह एक प्रकृति, मतलब एक ही रूप होगा। शेर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति क्या होगी, उसकी एक ही होगी, क्योंकि उसका नाम एक ही है, लेकिन उसका जो प्रकार है वो अलग हो सकता है। प्रकार मतलब शेर कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी प्रकृति है दहाड़ने की, खाने की, भोजन की, तो वह सब एक ही हो सकती है। जिस प्रकार इस समय जैसे कि आम का मौसम है, और मार्केट में अनेक प्रकार के आम आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आम अनेक हो सकते हैं। जैसे हम हिंदी में कहें तो कई प्रकार, जैसे दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, या फिर और भी प्रकार के जो आम होते हैं, अल्फांसो आम होता है। नाम अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो उसका नेचर होगा, जो उसकी प्रकृति होगी, वही होगा। आम का जो डिजाइन है, जो उसका आकार है, वह लगभग उसी प्रकार का होगा। भले वह थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा छोटा हो, अलग हो, लेकिन लगभग उसका जो आकार है उसी तरह का होगा। उसका जो रंग है वह भी उसी तरीके का होगा। उसका जो स्वाद है वह भी उसी तरीके का होगा। कुछ अलग हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उसकी प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वह कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएगा। जैसे कि और अगर जैसे हम कहते हैं पेड़, जब किसी चीज का हम कॉमन नाम रखते हैं, वह अलग अलग प्रकार हो सकता है, लेकिन जो उसकी प्रकृति है, नेचर है, वह एक होगा। जैसे एक हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेड़। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पेड़ की प्रकृति क्या होती है? पेड़ पत्ते होते हैं, सभी पेड़ के पत्ते होते हैं, चाहे वह पत्ते बड़े हों, चाहे वह छोटे हों, चाहे कम ही हो, लेकिन प्रत्येक पेड़ में कहीं ना कहीं पत्ते अवश्य होते हैं, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमें उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पेड़ की जो प्रकृति है वह क्या होती है, कहीं ना कहीं कुछ मिलती जुलती रहती है, एक प्रकार की होती है। तो इसी प्रकार से जो संचार है, संप्रेषण है, उसकी भी अपनी एक प्रकृति होती है। संचार किसी भी प्रकार का हो, कहीं ना कहीं उसकी एक प्रकृति होती है, जिसमें से सबसे पहली प्रकृति है संचार की, वह होती है गतिशील। गतिशील संचार, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे डायनेमिक डायनेमिक कम्युनिकेशन, डायनेमिक कम्युनिकेशन, यानी जो संचार है वह हमेशा गतिशील रहता है, वह हमेशा चलता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि संचार की यही प्रकृति है कि संचार आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य रहे ना रहे, कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ी तो रहती है, तो संचार हमेशा होता रहता है। संचार सदैव गतिशील होता है, गतिशील रहता है, कभी भी संचार स्थिर नहीं होता। और जो वर्तमान में जो है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जो या फिर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार का आपका संचार है। तो यहाँ पर जो संचार है वह सदा क्या रहता है, गतिमान रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। और यही संचार की एक प्रकृति होती है कि यह सदैव क्या होता है, डायनेमिक होता है, कभी भी स्थिर नहीं होता है। दूसरा है आपका संचार कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में संचार कौशल, संचार कौशल
का भी स्किल होता है, संचार का अपना एक कौशल होता है, और ये चार प्रकार में संचार के कौशल आते हैं। पहला होता है आपका लिखित, वादक, इसे हम स्पीकिंग कह सकते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग। तीसरा है आपका पठन, यानी कि रीडिंग, और चौथा है आपका श्रवण, यानी कि लिसनिंग। लिखित, सॉरी, आपकी राइटिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, और आपका लिसनिंग है। ये चार कौशल होते हैं संचार के, यानी कि जो यह एक कौशल है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, एक प्रकार का ये संचार कौशल है। दूसरा होता है आपका वादक, यानी स्पीकिंग, जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या वह आप दूसरों तक उस सही तरीके से पहुंच पा रहा है, यह स्पीकिंग कौशल भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है पठन, रीडिंग का भी कौशल होना चाहिए, तभी संचार अच्छे तरीके से होगी। यह संचार की एक प्रकृति भी होती है कि ये चार कौशल होते हैं संचार में। लिखने का एक तरीका होता है, स्पीकिंग का तरीका होता है, रीडिंग का तरीका होता है, और चौथा तो है श्रवण। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है संचार का। यह एक प्रकृति होती है कि यहाँ पर धैर्यतापूर्ण क्या संचार हो पा रहा है, धैर्यतापूर्ण क्या हम सुन पा रहे हैं। संचार का यह भी एक प्रकृति होती है। संचार तब भी कारगर होता है जब कोई उसे पूरे धैर्यता के साथ सुन पाए। यदि हम बस विचारों को प्रकट ही कर रहे हैं, अगला व्यक्ति धैर्यता के साथ नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पर संचार नहीं हो पाएगा। संचार की प्रकृति होती है कि जब हम संचार करते हैं तो वहां पर सुनने वाला श्रोता भी होता है, जो जो बहुत ही धैर्यता पूर्वक हमारी बातों को, विचारों को ग्रहण करता है या फिर सुनता है। आइए देखते हैं अगला, फोर्थ है आपका, सॉरी, थर्ड है आपका द्विमार्गी संदेश वाहक। द्विमार्गी संदेश वाहक, द्विमार्गी संदेश वाहक, टू वे स्ट्रीट, टू वे स्ट्रीट। ये तो हम सब जानते ही हैं कि संदेश जो है ये दो वाहक मार्ग का है, दो दोनों तरफ से होता है। एक व्यक्ति अगर बोलने वाला है तो दूसरा सुनने वाला है, फिर सुनकर उसके फिर अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो यहाँ पर जो संदेश है वो द्विमार्गी है, सदैव होता है। जो संचार की प्रकृति है वो सदैव कैसी होती है, द्विमार्गी होती है, यानी कि एक श्रोता होता है और एक स्पीकर होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। एक मैसेज भेजने वाला अगर लिख कर भेज रहा है तो दूसरा उसको पठन करने वाला होता है। तो यहाँ पर जो आपकी संचार कम्युनिकेशन की जो अगली प्रकृति है वो है द्विमार्गी, यानी कि टू वे स्ट्रीट। यहाँ पर संचार दोनों माध्यम से होता है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति होने चाहिए, और जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे वहां पर संचार नहीं होगा। यदि कोई अकेला व्यक्ति है और वह बस अपनी बातों को कहे जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वह संचार नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी संचार एक मार्गी नहीं होगा। संचार सदैव दो मार्गों पे होगा, यानी कि एक श्रोता हो, एक बोलने वाला स्पीकर होना चाहिए, और दूसरा उसे ग्रहण करने वाला श्रोता होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, जो उनकी बातों को सुन सके या समझ सके और फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। तो संचार की प्रकृति जो है ये दूसरी है, वह द्विमार्गी है, टू वे स्ट्रीट है, यानी कि यहाँ पर दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। संचार तभी संभव है, कम से कम वहां दो व्यक्ति अवश्य ही हो, तभी संचार संभव हो पाएगा। अगला है संचार में समरूपता और अनुपूरकता। सिमेट्री एंड
कंप्लीमेंट्री, सिमेट्री एंड कंप्लीमेंट्री, समरूपता और अनुपूरकता। संचार की जो अगली प्रकृति होती है वह होती है या तो संचार में समरूपता होगी या तो संचार में अनुपूरकता होगी। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को इसे भी मैथ आती है अच्छे से और इसे भी मैथ आती है अच्छे से। तो दोनों को जब मैथ आती है तो जो इनके बीच जो वार्तालाप होगी वह समरूप होगी, क्योंकि दोनों उसी विषय पर बात करेंगे, समरूप ही बात करेंगे, उसकी विशेषताओं पर ही, उसी को और डिटेल में समझेंगे। तो ये समरूपता होगी क्योंकि दोनों को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है और दोनों उसी टॉपिक के बारे में संचार कर रहे हैं। और यहीं पे अनुपूरकता को अगर हम देखें तो मान लीजिए कि इन्हें मैथ आती है और इन्हें मैथ आता है और इन्हें इंग्लिश आती है। तो अगर इन्हें इंग्लिश और इन्हें मैथ आती है तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वह आपकी अनुपूरकता होगी। अनुपूरकता यानी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना विषय बताएगा, उस पर चर्चा करेगा और यहाँ पर अंग्रेजी वाला मैथ वाले को अंग्रेजी बताएगा और मैथ जिसे आती है वह मैथ अंग्रेजी वाले को मैथ बताएगा। तो यहाँ पे ये अनुपूरक कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर जो इसकी एक विशेषता होगी वह होगी कि यह जो आपका संचार है वह समरूप और अनुपूरक दोनों रूपों में होता है। आपका सिमेट्री और कंप्लीमेंट्री दोनों रूपों में होता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति यदि बात करते हैं तो या तो उन्हें उस विषय के बारे में जानकारी है, उसी के बारे में बात करेंगे, और यदि कोई अन्य व्यक्ति जिसे उसके विषय में जानकारी नहीं है तो वह एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान करेगा। आइए देखते हैं अगला, जो अगली प्रकृति है वह है संचार सदैव एक संदर्भ में होता है। Communication has always a context. Communication has always a context. संचार जो होता है सदैव एक उसका संदर्भ होता है, और इसका जो संदर्भ होता है जैसे हमने तो संचार का जो संदर्भ होता है जैसे सामाजिक संदर्भ में जो संचार होता है इसके दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक संचार और दूसरा होता है आपका औपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सामाजिक मतलब जो संचार है वह एक उसका संदर्भ होता है, एक उसका हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें पहला आता है सामाजिक संदर्भ। सामाजिक संदर्भ यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब संचार होता है तो यहाँ पर दो प्रकार होता है, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक में कहें तो जैसे विवाह समारोह है तो वहां पर जो जिस संदर्भ में बात होगा वो अनौपचारिक है, हंसी मजाक होगा या फिर किसी भी प्रकार पे, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी प्रकार से बातचीत हो सकती है, क्योंकि वहां पे अनौपचारिक का मतलब यही है जहाँ पे कोई नियम ना हो, कोई सिस्टम ना हो, वही आपकी अनौपचारिक होती है। औपचारिक में जैसे जब हम किसी कंपनी में है, किसी कार्यालय में है, किसी संस्था में है, कक्षा में है, तो वहाँ जो संप्रेषण है, जो संचार है वह तो सामाजिक है क्योंकि वहाँ पे कई लोग होंगे और जहाँ पे कई लोग समाज के हो तो वही सामाजिक आपका संप्रेषण होता है। तो एक तो अनौपचारिक जहाँ जैसे विवाह समारोह वहाँ भी कई लोग होते हैं लेकिन वहाँ जो बात का संचार का जो तरीका है वह अलग प्रकार का होगा, और जो आपके औपचारिक जैसे कार्यालय हैं, कक्षाएं हैं, वहाँ पे जो बात होगी वह अलग प्रकार की होगी। वहाँ पे एक नियम होगा, तरीका होगा, संबोधन का अपना एक तरीका होगा, जैसे स्टूडेंट्स का संबोधन टीचर के लिए गुरुजी हो सकता है, सर जी हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऑफिस कार्यालय में भी अलग अलग संबोधन होगा।
अनौपचारिक में भी अलग संबोधन होगा, वहां पे जब हम संबोधन करेंगे तो वहां पे अंकल जी, चाचा जी, पिताजी, बड़े पिताजी या फिर किसी, हर एक संबोधन से उनका संबोधन अलग प्रकार का होगा। कंपनी कार्यालय या शिक्षण संस्थाओं में हम इस प्रकार का संबोधन नहीं करेंगे, उसका नियम होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है। दोनों होते तो सामाजिक हैं, लेकिन ये संचार की प्रकृति होती है सामाजिक प्रकृति। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो यहाँ पर एक तो ये संदर्भ एक सामाजिक संदर्भ होता है, संचार एक कॉन्टेक्स्ट लिए होता है, कहीं ना कहीं उसका एक एक संदर्भ के साथ ही होता है। तो पहला तो है आपका क्या, सामाजिक, और दूसरा है आपका भौतिक संदर्भ, भौतिक संदर्भ यानी कि फिजिकल कॉन्टेस्ट। जो फिजिकल कॉन्टेस्ट यहाँ पर, फिजिकल कॉन्टेस्ट मतलब कि एक प्लेस होता है, एक स्थान होता है, जो कम्युनिकेशन है उसका एक जो दूसरा कॉन्टेस्ट है, भौतिक संदर्भ है, कि जैसा नाम से ही हम जान जाते हैं कि वह वहां पे संचार होना आवश्यक है। जैसे यदि हम कहें सभा, कक्षा, यानी यहाँ पे शिक्षण कक्ष कह सकते हैं, शिक्षण कक्ष। तीसरा है आपका सम्मेलन, तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे भीड़ होगी, यहाँ पे एक टॉपिक होगा, एक विषय होगा, और वहां पे क्या होगा, वहां पे संचार होगा। तो यहाँ पे ये तो है संचार की प्रकृति। यहाँ पे द्विमार्गी संचार हमने बताया, जिसमें मैंने बताया कि दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और बताया मैंने कि स्थिर होता है सॉरी गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, वह स्थिर कभी नहीं होता है। तो यह संचार की अलग प्रकृति है। अगला है कि संचार हमेशा क्या होता है, या तो समरूप होगा या अनुप्रयुक्त होगा, सिमेट्री फॉर्म में होगा या कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होगा। अगला है आपका संचार सदैव क्या होता है, एक संदर्भ लिए होता है। कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज अ कॉन्टेस्ट, या तो उसका सोशल कॉन्टेस्ट होगा, सामाजिक संदर्भ होगा, जिसमें आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा। और अगला है आपका भौतिक संदर्भ यानी फिजिकल कॉन्टेस्ट में, जैसे कि हमें पता चल जाता है कि सभा नाम से ही होता है कि उसका एक प्लेस होता है, अगर सभा है तो वहां पे संचार का होना आवश्यक है, वहां पे कई लोग होंगे, वह भी एक तरीके से वहां भी सभा में एक पहले से एक कुछ मुद्दे स्पष्ट होते हैं कि किस सभा किस पर हो रही है, जो मीटिंग्स है वो किस पर हो रही है, उसका एक प्लेस पहले से निर्धारित होता है, वह फिजिकल इसीलिए उसे कहा जा रहा है कि उसका एक प्लेस है। जो हमने यहाँ पे देखा जैसे सामाजिक संदर्भ है, अनौपचारिक, हाँ इसका भी प्लेस होता है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है प्लेस, लेकिन जो सभा है एक तरीके से एक प्लेस का नाम है सभा, जहाँ पे कहीं पे व्यक्ति का जमाव होता है, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यह तो है आपके संचार यानी कम्युनिकेशन की प्रकृति। तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सी क्या होते हैं, फोर्थ एस क्या होता है संचार में, ये बहुत आवश्यक है, संचार के उद्देश्य, विशेषताएं, संचार के प्रकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो आगे की जो आपके क्लास होंगे उसमें हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद।